बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। और आज जो वीडियो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की जानिब से जब वो बीए के रिजल्ट्स के बारे में, तो फ्रेंड्स एक वीडियो मैंने आपके साथ पहले शेयर की थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के जो बीए या बीकॉम के जो स्टूडेंट्स हैं या एसोसिएट डिग्री के जो भी स्टूडेंट्स हैं, तो उन सबको जो है वो प्रमोट कर दिया गया है यूनिवर्सिटी की जानिब से, जो वो इसका ऐलान कर दिया गया है। तो फ्रेंड्स आज जो है वो उसका रिजल्ट जो है वो अनाउंस कर दिया गया है। तो आपने रिजल्ट्स को किस तरह से चेक करना है, सबसे पहले आपने जाना है अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर। इसका लिंक फ्रेंड्स जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जैसे ही आप इस पर पहुंचेंगे तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप रिजल्ट्स पर देख सकते हैं, आपने यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद फ्रेंड्स आपके पास जो है वो इस तरह से पेज ओपन होगा। तो आपने सबसे पहले रिजल्ट डिटेल फॉर द सेमेस्टर आटम 2019 करंट रिजल्ट्स पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपके पास कुछ इस तरह से इंटरफेस होगा। तो सबसे पहले आपने जो है वो बैचलर प्रोग्राम को सेलेक्ट करना है और उसके बाद आपने सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बीए प्रोग्राम्स। तो जैसे ही आप यहाँ पर इस पर आपने टिक करना है फ्रेंड्स, ये ऑटोमेटिकली भी यहाँ पर सेलेक्ट होगा। तो उसके बाद आपने यहाँ पर जब अपना रोल नंबर एंटर कर देना है। जैसे ही आप अपना रोल नंबर एंटर करेंगे तो आपका रिजल्ट जो है वो आपके सामने शो हो जाएगा। ये बात मैं आपको बता दूं कि फ्रेंड्स इन्होंने जो है वो आपके असाइनमेंट मार्क्स पर जो है वो आपके नंबर लगाए हैं। तो जिन कैंडिडेट्स ने जो है वो असाइनमेंट जमा नहीं करवाई थी तो उनको जो है वो अपसेंट उन्होंने यहाँ पर लिखा है, यानी कि उनके जो है वो पेपर को फेल कर दिया गया है। तो इसलिए आपने जब अपना रिजल्ट्स को चेक कर लेना है कि आप फेल हैं या पास हैं। फ्रेंड्स आपने जो है वो मुझे कमेंट्स में भी जरूर बताना है कि आप पास हैं या फेल हैं। अगर आपके जो वो जो भी मसला है तो आपने हमें कमेंट सेक्शन में बता देना है। कोई भी जो है वो मसला हो तो आप हमारे साथ जो है वो शेयर कर सकते हैं। मजीद उसकी जो तफसीलात होगी हम आपको साथ भी जरूर शेयर करेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।